मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपा पढ़ा राजस्थान का भूगोल और आज वही राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे राजस्थान का मोती के प्रदेश। मेरे भाई मेरे साथियों आप एक बात का ध्यान रखो, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक दो दिन क्लास मिस होती है, पूरे दिन क्लास ही होती है। सुबह लगान थे जिसका ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं ना वो कमेंट करके बताओ क्लास होती है नहीं होती। दिन सुबह आते हैं रात कब निकलती है पता नहीं लगता, जैसे टाइम मिलता है बीच में वो आपके रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई मेरे साथियों घबराइए नहीं, आपके एग्जाम से पहले मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ओके ओके गुरु जी। राजस्थान का भौतिक प्रदेश भाग दो पढ़ा। पहला भाग में मैंने ये बात बता दी थी आपको कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ा रहा था। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उसको कितने भागों में बांटती है, दो भागों में, कल ये पढ़ा। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इस प्रकार से ये रहा, ये लो भाई साहब ये आ गया गुरु जी। ये क्या, ये जो है ये पश्चिमी रेतीला मैदान, इसके बाद जो एक फैली है पर्वतमाला और इस पर्वतमाला का नाम मेरे भाई अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल गुरु जी, इसका जो नाम है वो अरावली है और ये हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान बिल्कुल है। ठीक है, ये पढ़ रहे थे मैं आपको जो पढ़ा रहा था, फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं क्या पढ़ा रहा था, पश्चिमी रेतीला मैदान। तो सुनो, पश्चिमी रेतीला मैदान जो है मेरे भाई, इसको समझना कैसे, जितना समझा हमने अच्छी बात है। पहले बात तो इसके अनेक कल उपनाम बताए थे मैंने, आज और कुछ उपनाम बताऊंगा मैं इसके बाद, ये वो 25 सेंटीमीटर वाला दो भागों में बांटता है वो बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर इसे कहते हैं चोलिस्तान, क्या कहते हैं, चोलिस्तान, और इसी का उपनाम मिलता है ग्रेट पेलिमो डेजर्ट। का लिखा दियो तो कोई बात को नहीं, एक बार और लिख लियो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आयड है। ग्रेट पेलिमो डेजर्ट किसे कहते हैं, इसी पश्चिमी रेतीले मैदान को। दुनिया का सबसे युवा मरुस्थल भी किसे कहा जाता है गुरु जी, दुनिया का सबसे युवा मरुस्थल भी पश्चिमी रेतीले मैदान को कहते हैं। दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल भी कौन सा है, यही है। आगे मरुस्थल लिखता रही हो थे, आगे मरुस्थल लिख लियो। और गुरु जी क्या उपनाम है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है गुरु जी, यही है। कल लिखा दिया तो कोई बात नहीं, एक बार और लिख लिया। तीसरी बात, घनी आबादी हो गई, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल हो गया और सर्वाधिक वायु अपरदन वाला भी मरुस्थल है, कल लिखा दिया था। और सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला कौन सा है वो भी आपको पता है, जैसलमेर। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करने वाला मरुस्थल भी कौन सा है, यही पश्चिमी रेतीला मैदान है गुरु जी। क्या लिखें, तो भारतीय क्या लिखोगे, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को क्या करता है, को आकर्षित करने वाला जो मरुस्थल है वह यही मरुस्थल है, कौन सा, पश्चिमी रेतीला मैदान। बताया जाता है कि इस मरुस्थल को ईश्वर प्रसाद ने, किसने मेरे भाई, ईश्वर प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी है, किसकी, रुक्ष प्रदेश की क्या दी है, संज्ञा। तो रुक्ष प्रदेश की संज्ञा देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, ईश्वर प्रसाद। ओके गुरुजी, मार समझ में आ गई, तो आगे और समझो। इसका बताते हैं ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है जिसे आज आप पढ़ते हो कि 61.11% है, घटना क्या थी, देखो उल्लेख मिलता है कि पहले वाला ये जो मरुस्थल था ऐसे लिख लेना 58% था, कितना था 58%। इसका मरुस्थल का विस्तार पूर्व में होने के कारण, और पूर्व में एक पर्वतमाला इसके, ये पूर्व में कौन सी पर्वतमाला है, अरावली, तो इसका विस्तार इधर ज्यादा हो गया,
पूरब में होने के कारण इसका वर्तमान में विस्तार कितना है? 61.11%। गुरुजी महाराज इतनी बात समझ में बढ़िया तरह हूं आगे। तो अब देखो, अगर आपसे पूछे थार भूमि का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, थार भूमि का बड़ा जिला वो है जोधपुर, और इसे ही कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? गुरुजी मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। मैं एक बार देख लूं, सही बन रही, बिल्कुल मेरे भाई बहुत अच्छी बन रही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, सॉरी जोधपुर को कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो नीचे लिख लेना ये नोट लगा के, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को। पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे भाई धौलपुर को, क्योंकि पूर्वी जो जिला है उसका नाम है धौलपुर, तो इसे कहते हैं पूर्व का प्रवेश द्वार, इसे कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार, और इसे कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार, देखो राजस्थान रे भरतपुर, अलवर देखो ए अजय सर, अजय सिंह सिंह मतलब भी थे क्यों थारो ये पर नाम है तो क्यों कर लियो है नी, तो याद रखना है सिंह का प्रवेश द्वार अलवर ए यानी ये रखियो अपनों प्रवेश करोगे है नी पहला। तो पूर्व में पूर्वी जिला धौलपुर है, तो पूर्व का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है, धौलपुर। एक बार सही बन रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बन रही है साथियों। देखो इतनी बात अब हमने समझी, अब मैं आता हूं उस पे जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। ठीक है गुरुजी आ जाओ। रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। एक बात आप पढ़ांगा, देखो ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान से एक किस तरह प्रकार से रेखा गुजरती है मेरे भाई, और जो दूसरी रेखा है वो यहां से होते हुए इस प्रकार से गुजरती है, और एक जो रेखा है वो इस प्रकार से होते हुए यहां से गुजरती है। ठीक है गुरुजी, ये जो रेखा गुजरती है इसका नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा है? 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा दूसरी जो वर्षा रेखा गुजरती है उसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके 25 × 50, इसके अलावा जो तीसरी है वो कौन सी है, 50। एग्जाम में केवल 3 याद रखनी है। सबसे पहली बताऊं मैं आपको तो वो कौन सी है, 10 सेंटीमीटर। गुरुजी इससे प्रश्न क्या आएगा, तो मेरे भाई याद रखना, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो केवल जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा जो है वो कौन सी है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस बात को मैं यही स्टॉप करता हूं, इससे पहले आओ थोड़ा, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। इससे यूं पहला नहीं, 25 सेंटीमीटर वर्षा पहला थे क्या लिखना है, यानी ये जिस प्रकार से पश्चिमी रेतीला मैदान फैला है ना, ये इस तरह से ये रहा। अच्छा ये कितने जिलों में फैला है, तो अगर पूछे ना मरुस्थलीय जिले कितने हैं, तो मैंने कल भी लिखाया था ये मरुस्थलीय जिले, तो मेरे भाई उनकी संख्या है 12। लेकिन इसमें कुछ भाग जो है वो सिरोही का भी आता है, कुछ भाग किसका आता है, सिरोही का, और भाग कौन सा, भाग उत्तरी किसका आता है, सिरोही का। अब गुरु जी 13 हो गए, ऐसे नहीं बोलोगे आप, अगर ऐसे प्रश्न आए ना मरुस्थलीय जिले तब तो आप करोगे 12। अगर आए अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या कितनी है तब बताओगे 13। अरावली लेकर जब दे तब 13, सीधा मरुस्थलीय जिला पूछे तो 12। ठीक है गुरु जी। अच्छा इसके अलावा यहां पर 4 संभाग है, इधर एक पड़ता है, दूसरा संभाग यहां पर है, तीसरा संभाग यहां पर है, चौथा संभाग यहां पर है। गुरु जी ये जो संभाग है, इस संभाग का नाम क्या है, तो इस संभाग का नाम है जोधपुर, तो एक जोधपुर संभाग हो गया। अच्छा एक ये वाला संभाग हो गया और इस संभाग का नाम है अजमेर, 2 संभाग। तीसरा संभाग ये हो गया जिसका नाम है जयपुर, 3 संभाग। चौथा संभाग ये हो गया जिसका नाम क्या है, बीकानेर। तो मरुस्थल जो है वो कितने संभाग में फैला है, 4 संभाग में। गुरुजी जिले कौन कौन से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर गंगानगर है, नीचे बीकानेर, यहां जैसलमेर है, इसके नीचे जाएंगे बाड़मेर है,
इधर जालौर है, ठीक है, गंगानगर के नीचे आएंगे हनुमानगढ़ है, चूरू है, शेखावाटी क्षेत्र पूरा आ जाएगा, जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, नागौर आ जाएगा, ये करके थे देख लियो, लगभग सारे जिले यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गुरुजी, तो 12 जिला देख था ना, वो बरनू अड़ोसी लंबी चौड़ी कहानी है, कोनी में सारा याद हो जाएगा। अच्छा तो गुरुजी अरावली के पश्चिम में कितने हैं, 13 जिलों का विस्तार है। अब इतनी बात समझ में आ गई, हाँ अब मैं आगे बढ़ूंगा वो आपको समझा, ये पहला लिख ली हुई हूँ, पहला थोड़ी सी बात था, अब बड़ा सेंटीमीटर ये क्या काम करती है पता लग जाएगा। 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा वो कहां से गुजरती है, केवल जैसलमेर से, यानी जैसलमेर में जो वर्षा होती है वो 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 के बाद आता है 20, ऐसे याद करना है, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहां पर। अब ये क्या है देखो, दूसरी जो वर्षा रेखा उसका नाम है 25 सेंटीमीटर, और ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है ये इस थार की भूमि को, इस पश्चिमी रेतीले मैदान को, इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली राजस्थान की कौन सी वर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो दो भाग बने, एक भाग इधर गया दूसरा भाग उधर आया, अब इधर वर्षा बहुत कम होती है इसलिए इस वाले क्षेत्र का नाम रख दिया शुष्क प्रदेश, और इधर थोड़े नदियां वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे लूनी है, घाघर नदी है, झीलें भी मिल जाएंगी, इसलिए ये वाला क्षेत्र कैसा हो गया, अर्ध शुष्क। तो मैंने एक क्षेत्र का नाम क्या लिखा था, शुष्क, तो मेरे भाई इसे बोला जाएगा शुष्क प्रदेश, ठीक है। इधर वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, हो गया वो हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शुष्क प्रदेश। इस शुष्क प्रदेश को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में, दो भागों में। ये जो भाग है वो बालू का स्तूप से बना है, किससे बना है, बालू का स्तूप, इनके वो धोरे भी कहा जाता है, बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, धोरे। अच्छा धोरे गुरुजी किस भाषा में कहते हैं, तो याद रखना साहित्यिक भाषा के अंदर इन्हें क्या कहते हैं, धोरे, धोरा क्यों गुरुजी, रेत के टिल्ले होते हैं उन्हें धोरे कहते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा बालू का स्तूप बनने का परिणाम क्या है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है तो समझना इसका, बालू का स्तूप बनने का परिणाम, यानी ये जो बनता है इसका परिणाम क्या है, तो मेरे भाई इसका जो परिणाम दो प्रकार से देखने को मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा कि बालू का स्तूप है जो वो है निक्षेपण के कारण बढ़ते हैं, किसके कारण बढ़ते हैं, निक्षेपण के कारण। दूसरा आपको जो मिलेगा ऑप्शन के अंदर वो ये मिलेगा, क्या अपरदन के कारण भी बनते हैं क्या, तो इस बात को ध्यान से समझना, बात दोनों ही सही है कि मरुस्थल में बालू का स्तूप का जो निर्माण होता है वो निक्षेपण के कारण भी होता है, अपरदन के कारण भी होता है, लेकिन दोनों एग्जाम के अंदर आ जाए तब क्या करें, अगर ऐसी चुनौती आए तो मेरे भाई आप कर देना निक्षेपण, क्या कर दोगे, निक्षेपण। गुरुजी अगर मान लो निक्षेपण ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अपरदन दिया तब अपरदन कर देना, क्यों, क्योंकि देखो अपरदन का मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटाव करके जो दोरे बनते हैं, मतलब बात तो ये मिट्टी कटाव करके बने गई, और ज्यादा जो सक्रिय होते हैं वो जमाव के कारण, जो जमाव के कारण बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं निक्षेपण, तो ज्यादातर ये सही माना जाता है, तो इसको याद रखना। बालू का स्तूप बनने की प्रक्रिया पता लगी, अब इधर आओ, दोरे कहते हैं साहित्य भाषा में, इस शुष्क प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया, अभी मैं इंक डालूं फिर भी एक बात थाना बता दूंगा कि किसा किसाएगा दो भाग है, इतने थे इन्हें थोड़ा सा उतार लियो की प्रकार, 10 सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर है वो देख लियो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान, सब सांस भरी कल्याण मेरी, झूम के भंगड़ा पा ना सका, आवाज रहे वो गांव। तो शुष्क प्रदेश ना पा दो भागा में, एक नंबर का जो नाम है वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, बालू का स्तूप युक्त, यानी जिस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप है वो क्या कहलाएगा, एक नंबर बालू का स्तूप युक्त, एक भाग हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश,
एक युक्त है तो दूसरा सामने खड़ा है मुख प्रदेश, लिख लेना आगे। अच्छा, इसके बाद बात करें ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला है। माना कि शुष्क प्रतिशत जो है वो 100 पे है, तो जिसमें से बालू का स्तूप युक्त कितना होगा, 58.50%। बालू का स्तूप मुक्त की बात करें, 100 में से 58 जाते हैं तो 42, और इधर 50 गए तो 41, 41.50% भाग पर फैला हुआ है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। युक्त का मतलब होता है जिस भाग के अंदर क्या पाए जाते हो, धोरे, यानी जिस भाग के अंदर रेत के टीले पाए जाते हो उन्हें कहते हैं बालू का स्तूप युक्त, यानी यहां पर है। और जो भाग, जो क्षेत्र पथरीला हो, जो क्षेत्र पथरीला हो, जैसे हम पढ़ते हैं हमादा, संपूर्ण पथरीले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हमादा। संपूर्ण ये जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, पथरीला, तो संपूर्ण पथरीला क्षेत्र को क्या कहते हैं, हमादा। तो ये बात भी याद रखना, बालू का स्तूप मुक्त के अंदर पत्थर वाला भाग देखने को मिलेगा, युक्त के अंदर दोरे मिलेंगे। ओके गुरुजी, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले जो अपने पढ़ेंगे वो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त, यानी राजस्थान में कौन कौन से प्रकार के दोरे पाए जाते हैं, एग्जाम में अच्छा प्रश्न बनता है इसे, तो वो देखेंगे। मैं ये साफ कर रहा हूँ, इसको आप उतार लेना या स्क्रीन शॉट ले लो जो भी। अच्छा अब गुरु जी, एक ये रहेगी 50 सेंटीमीटर वर्षा। देखो इसके इधर वाला भाग राजस्थान का पूरा है, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर के बाद नीचे लिखना 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। तो देखो 100 है, 100 को आधोगे 50, तो आधी कर दिया नहीं। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो में। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसको भी याद कर लेना। अब मैं ये साफ कर रहा हूं, इसके बाद अपने पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहना इसके। अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना प्रतिशत था, 58.50%। अब इसको देखते हैं। देखो बालू का स्तूप युक्त का मतलब जहां पर रेत के टीले हो, अब देखें कितने के भाग के अंदर रेत के टीले जो है वो पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक नाम याद करना है जिसका नाम है अनुधेद्रीय। कौन से बालू का स्तूप, अनुधेद्रीय बालू का स्तूप। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि अनुधेद्रीय बालू का स्तूप जो होते हैं वो कौन से होते हैं। इसके बाद जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप होते हैं, आगे आप लिख लेना बालू का स्तूप, वो कौन से होते हैं। इसके बाद अपने जानेंगे कि पैराबोलिका जो बालू का स्तूप होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है गुरुजी ये जान लेंगे। इसके बाद जानेंगे बरखान, बरखान जो बालू का स्तूप है वो किस प्रकार से बनते हैं, और इसके बाद जानेंगे नेवखा बालू का स्तूप जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। इसके बाद ये जानेंगे कि जो नेटवर्क बालू का स्तूप है वो कैसे बनते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे ईर्ग, लिख लेना आप बालू का स्तूप आगे। इसके बाद देखेंगे रेंग बालू का स्तूप, और इसके बाद देखेंगे धरियन, और धरियन के बाद देखेंगे लघु मरुस्थल, क्या है लघु मरुस्थल, और इसके बाद देखेंगे तारा बालू का स्तूप। गुरु जी कितना गौर है, बस हो गया, अब के रह गयो तारा बालू का स्तूप। तो इनको अच्छी तरह से ध्यान से जाने, ए देखो नहीं, अनुदेद्रीय बालू का स्तूप कैसे होते हैं। देखो जिस प्रकार से हवा चलती है, जैसे इधर चल रही है इधर चल रही है, हवा के जो समानांतरण बनते हैं बालू का स्तूप है उसे ही क्या कहते हैं, अनुदेद्रीय। तो ये जो बालू का स्तूप है वो हवा के समानांतर, सॉरी हवा के समांतर बनते हैं, हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अनुदेद्रीय बालू का स्तूप। अच्छा ये जो बालू का स्तूप होते हैं इनकी हाइट बहुत होती है गुरुजी, हाइट कितनी होती है, लगभग 60 मीटर ऊंचे होते हैं। तो याद रखना अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं, सबसे
ऊंचे जो बालुका स्तूप होते हैं वो अनुदेद्रीय बालुका स्तूप होते हैं। इसे देखो, ये पवन के समानांतर बनते, हवा के समांतर, तो इसको कहा जाता है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। एक तो ये लिख लेना, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप किनको कहते हैं? अनुदेद्रीय। लाइनर बालुका स्तूप भी इन्हें ही कहा जाता है, लिख लेना लाइनर बालुका स्तूप। ठीक है गुरुजी, इतना समझ में आ गया। मिलते कहां है सर्वाधिक? राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान के साथ लगते हैं। उन चारों जिलों में जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चारों जिलों के अंदर यानी रेड क्लिफ रेखा जो है, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। इस रेखा के आसपास का जो एरिया है वहां पर देखने को मिलते हैं अनुदेद्रीय बालुका स्तूप। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये कैसे बनते हैं? देखो, ये जो बालुका स्तूप है ये हवा के समकोण बनने वाले हैं, तो लिख लेने आप आगे, हवा के समकोण या हवा के लंबवत बनने वाले जो बालुका स्तूप हैं वो कौन से बालुका स्तूप हैं? वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। गुरुजी, ये सर्वाधिक कहां कहां देखने को मिलते हैं? तो आपको ये सर्वाधिक बीकानेर के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सर्वाधिक शेखा वाटी क्षेत्र के अंदर मिल जाएंगे, रावतसर के अंदर अधिक देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अपने बात करेंगे जिला अपना हनुमानगढ़, तो यहाँ भी आपको बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। गुरुजी, बात समझ में आवा है? कौन नहीं आता है, समझ में आ गया? हवा के समांतर बनते हैं, हवा के लंबवत बनने वाले बालुका स्तूप है अनुप्रस्थ। पैराबोली का बालुका स्तूप क्या होते हैं? देखो मेरे भाई, ये जो बालुका स्तूप बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? पैराबोली का जैसे ये मरुस्थल है इस प्रकार से, ठीक है, इधर से हवा चल रही है, इधर मान लो इस प्रकार से वनस्पतियां हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, जब ये हवाएं यहां पर गिरेंगी, इधर ये मिट्टी लेकर आएंगी और इधर गिर देंगी, इनको ढक देंगी पूरी वनस्पति को, फिर यहां भी एक मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, और जैसे ही मरुस्थल का निर्माण हुआ तो वो क्या कहलाए? पैराबोलिका बालुका स्तूप। यानी हम परिभाषा क्या लिखें, ये जो मरुस्थल है वो लगभग, यानी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है लगभग मरुस्थल में ये देखने को मिलते हैं पैराबोलिका। सर्वाधिक कौन से पाए जाते हैं? गुरुजी, सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, पैराबोलिका बालुका स्तूप। इनकी जो आकृति होती है, देखो ये महिला का हेयर पिन लग रहा है, नहीं लग रहा? बिल्कुल, तो महिला के बालों का जो हेयर पिन होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, उसके समान आकृति किसकी होती है? हेयर पिन के समान, हेयर पिन के समान, लिख लेना औरत के हेयर पिन के समान पैराबोलिका जो बालुका स्तूप होते हैं उनकी क्या होती है? आकृति होती है। ऐसे भी लिख लेना कि ये लगभग मरुस्थल के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बरखान। बरछान जो बालुका स्तूप है ये अपने इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से, एक मिनट, ठाकुर जी ओके है, यही, यानी इनकी जो आकृति होती है इन्हें कहते हैं अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कौन से होते हैं? बरखान। बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं ये सर्वाधिक आवादीय फूलते तब बनते हैं, यानी अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप कौन से होते हैं, तो सर्वाधिक गति जो शील बालुका स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? बरखान। गुरुजी, ये देखने को कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये देखने को आपको मिलेंगे, नीचे दिख रहा है क्या? भालेरी चूरू, भालेरी चूरू यहां पर देखने को मिलेंगे, सूरतगढ़ के अंदर ये जो मरुस्थल देखने को मिलते हैं, हमारा सूरतगढ़ आयोग माशाता है, तो सूरतगढ़ के अंदर जिका मरुस्थल है बे किसा है, बे अपने बालेरी चूरू वाले, सॉरी ये बरखान, इसे बरछान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये कहाँ मिलेंगे? इसके अलावा ये आपको जोधपुर में भी देखने को मिल जाएंगे। कौन से बालुका स्तूप? बरखान बालुका स्तूप। थोड़ी इंक डालें फिर भी के बाद पढ़ना। तुम इतनी जल्दी कैसे उत्तर है? टाइम हो गया क्या? अच्छा, बरखान को आगे और कैसे पढ़ेंगे गुरुजी? तो देखो, बालेरी चूरू के अंदर देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़ के अंदर मिलते हैं, जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं इनका एक उपनाम मिलता है, इन्हें कहते हैं बरछान। बरछान जो बालुका स्तूप है वो किन्हें कहा जाता है? इन्हीं बरखान बालुका स्तूप को कहते हैं बरछान। अच्छा, एक ही बात हम और बाकी ऊपर लिखो थे, ऊपर लो उतार लियो। इधर ये कर रहा हूं साफ,
हेयर पिन के समान ही पैराबोलिक ही लिख लेना। सर्वाधिक बालू का स्तूप जो गतिशील होते हैं वो किस महीने में होते हैं? वो होते हैं मार्च से जुलाई के महीने में। मार्च से जुलाई के मध्य का जो समय होता है वहां पर बालू का स्तूप सर्वाधिक क्या करते हैं? गति। तभी आपने नाम सुना होगा रेगिस्तान का मार्च क्या है, रेगिस्तान का मार्च नाम सुना ना, ये क्या है इसको समझना। मरुस्थल जब गतिशील, गतिशील का मतलब मरुस्थल का जो विस्तार है या आगे तक जाएगा बढ़कर, वो ही क्या कहलाता है मरुस्थल का, रेगिस्तान का मार्च। यानी मरुस्थल जैसे विस्तार करता है वो क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च क्या कहलाता है, मरुस्थल का विस्तार करना। और मरुस्थल विस्तार सर्वाधिक किस महीने में करता है? मार्च से जुलाई के महीने में करता है। समझ में आ गई? हाँ गुरु जी। ने बखा बालू का स्तूप क्यों है? जी हाँ, मेरी बात सुनो मेरा भाई, ये है, मैं एक बार देख लूँ यहाँ बढ़ रही है, साफ आ रही है नहीं आ रही, नहीं दिख रहा क्या? दिख ला रहे हो, थोड़ा सा भी लगा दिया ना को देख। यहाँ पर मान लो कोई, जैसे इधर कोई हवा चल रही है और इस प्रकार से मिट्टी ने यहाँ पर इस प्रकार से इसके अवरोध के कारण एक बालू का स्तूप बना लिया इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर भी एक ये है पेड़, तो इधर से भी इधर मिट्टी का इस प्रकार से एक ढेर लग गया आवास हवा के कारण। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ने मखा। यानी वनस्पतियों के द्वारा, छोटी छोटी वनस्पतियों के या वनस्पतियों के सारे जो बालू का स्तूप बनते हैं सारे, देखो पैराबोलिकाओं में वनस्पतियों को ढक दिया जाता है, जबकि ने बखा के अंदर जो है वो एक तरफा वनस्पति के भाग में मरुस्थल का ढेर होगा। अब बात करेंगे नेटवर्क। नेटवर्क मरुस्थल के अंदर क्या होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप में क्या होता है, इस प्रकार से छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं इस प्रकार से, और इन छोटी छोटी वनस्पतियों का जो समूह होता है यहां पर दोहरे बन जाते हैं। इन दोहरों का समूह जो होता है, क्योंकि नेटवर्क ज्यादा होगा जब मिलेगा हुआ नहीं, तो यहाँ छोटी छोटी वनस्पतियों का समूह जहां दोहरे बन जाते हैं उसी समूह को क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। देखो इरग भी आपको मरुस्थल के अंदर लगभग मरुस्थल में देखने को मिल जाएगा, लिख लेना लगभग मरुस्थल में देखने को मिल जाएगा। रिंग ये जो होता है इसे कहते हैं मिश्रित मरुस्थल। अब मिश्रित जो मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, रेग। दरियन क्या है, हवा के स्थानांतरित, स्थानांतरित हवा के स्थानांतरित बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो किसे कहते हैं, दरियन को। गुरु जी दरियन सर्वाधिक कहां पर बनते हैं, तो मेरे भाई दरियन बनते हैं सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। और एक बात और याद रखना कि दरियन जो बालू का स्तूप होते हैं वो बालू का स्तूप ही होते हैं, यानी जैसलमेर का स्थानीय लोग है नहीं। आप जी यहाँ दोहरा बोला, रेत का टीला बोला, एक ये बोला ये दरियन बोला है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखिए। लघु मरुस्थल की प्रक्रिया समझा दीजिए गुरु जी, ये मरुस्थल का मार्च वगैरह ये आप सारा लिख लेना। अच्छा मैं अब आपको ये समझा देता हूँ लघु मरुस्थल किस प्रकार से है। ये इधर 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 किधर इधर, ये हमारा सुंदर सा पश्चिमी भारत है। इधर एक जिला है जिस जिले का नाम है बीकानेर, और गुजरात में एक स्थान पड़ता है कच्छ। कच्छ जिला है ना, जो राजस्थान सॉरी भारत का सबसे बड़ा जिला है। अच्छा ये जो यहां से यहां तक फैलाव है इसे ही कहा जाता है लघु मरुस्थल। यानी लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक फैला जो मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल। ये प्रश्न आया हुआ है। तारा बालू का स्तूप, जी हाँ हवा चल है बी है, जी हवा चली बी बढ़ जाओ, जी हाँ इतनों हवा चली तो बी बढ़ जाओ, इधर से हवा चली तो ऐसे बढ़ जाएगा, इधर से चली तो ऐसे बढ़ जाएगा, इधर चली ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे करते करते ये क्या बढ़ जाएगा, एक स्टार बढ़ जाएगा, इसमें बीच में मिट्टी है। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप। तो तारा बालू का स्तूप जो होते हैं वो ये होते हैं, बस सिंपल सी बात थी। तो मैंने इतने आपको पढ़ा दिए, अनुदेद्रीय अनुप्रस्थ बरखान बरखान इधर समझाता हूँ। अनुप्रस्थ जो हवा के साथ बनते हैं, अनुप्रस्थ अनु, अनु का मतलब समकोण, पैराबोलिका ये लगभग मरुस्थल में देखने को मिलेंगे, वनस्पतियों को ढक देते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार मरुस्थल, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। नेवखा वनस्पति के सारे, नेटवर्क अनेक वनस्पतियों का समूह है जहां पर मरुस्थल बनता है। इरग लगभग मरुस्थल में देखने को मिलेगा। रेग मिश्रित जिसमें पथरीला भी भाग देखने को मिलेगा और सीधा मरुस्थल का भी देखने को मिलेगा उसे कहते हैं रेग। दरियन स्थानांतरित हवा के स्थानांतरित बनने वाले बालू का स्तूप। लघु जो मरुस्थल होता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, बीकानेर से कच्छ तक। तारा, तारा बालू का स्तूप में शनि देवल आ जाता है और कहता है
तारा मर जाई पाकिस्तान नहीं जाना। तो तारा बालू का स्तूप हवा की जैसे जिस प्रकार हवा चलती है वैसे वैसे बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो ओ तो पूरा कर दिया है नहीं। देखो बालू का स्तूप कौन सा पढ़ रहे हैं? युक्त क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना। शुष्क के अंदर इस बालू का स्तूप के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा देखो। चलो इसके पूरा करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक नहीं मतलब ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे बालू का, अरे बड़ी जान करके नहीं, ज्यादा नहीं बनाता क्योंकि रुचिकर नहीं रहती, बड़ी हो जाती है। बालू का स्तूप मुक्त पढ़ रहे थे ना, मुक्त में देखो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा सम गांव। सम तहसील भी है, सम गांव भी है, सम क्षेत्र भी है। सम क्षेत्र कहां पड़ता है गुरुजी? सम गांव जो है वो कहां पड़ता है? जैसलमेर में। याद ये रखना है कि यह जो क्षेत्र है ये वनस्पति रहित है। वनस की पति का रहित क्षेत्र कौन सा है? सम क्षेत्र, गांव की जगह क्षेत्र लिख लो आप। सम जो क्षेत्र है वो वनस्पति रहित है। सम क्षेत्र कहां पड़ता है? जैसलमेर में। ये प्रश्न वनपाल के अंदर आया था कि राजस्थान की कौन सी दिशा वनस्पति रहित है, तो ये पश्चिम के अंदर जैसलमेर, तो पश्चिमी दिशा। फिर आएगा एक आकल गांव। कौन सा गांव? आकल गांव। देखो आकल गांव जो है वो जैसलमेर के अंदर ही है, क्योंकि सारी जो लगभग बातें वो कहां की आएंगी? जैसलमेर के। आकल गांव में एक पार्क बना हुआ है जिसका नाम है आकल बुड फॉल्सिस पार्क। आकल बुड, बुड बुड मिस होता लकड़ी, फॉल्सिस पार्क। ये राजस्थान का पहला, यानी राज्य का पहला जीवाश्म पार्क है। राजस्थान का प्रथम जीवाश्म जो पार्क है वो कहां पर है? वो जैसलमेर के आकल गांव में। तो राजस्थान का पहला जो जीवाश्म पार्क है वो आकल बुड फॉल्सिस के नाम से जैसलमेर के अंदर है। ठीक है गुरुजी, आकल गांव भी याद हो गया और सम गांव भी याद हो गया। अब याद करना है चांदन गांव। चांदन गांव, चांदन गांव भी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। चांदन गांव के अंदर एक नलकूप है जिसका नाम है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, और ये जो चांदन नलकूप है इसे कहा जाता है थार का घड़ा। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। बताया जाता है लगभग एक घंटे में 2.5 लाख लीटर पानी भर देता है, ये छोड़ देता है। तो बताते हैं, तो ये है चांदन नलकूप। ओके गुरुजी, याद हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। इसी क्षेत्र के अंदर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवड़ घास। गुरुजी ये क्या है? तो एक स्थान पड़ता है पोकरण। पोकरण जैसलमेर के अंदर ही है। पोकरण से मोहनगढ़ एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे बोला जाता है भूगर्भिक जो जल पट्टी है, ये जो भूगर्भिक जल पट्टी का जो मैदान है इसी मैदान को कहते हैं सेवण घास का मैदान। इसकी जो भूगर्भिक जल पट्टी की खोज की थी वो कादरी संस्था ने की थी। भूगर्भिक जल पट्टी है, इसकी खोज जो किसी की थी वो किसने की थी? कादरी संस्था ने, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। मोहनगढ़ के अंदर याद रखना विश्व चारा बैंक की स्थापना है। विश्व चारा बैंक की स्थापना कहां की है? मोहनगढ़ के अंदर। बस आप अच्छी तरह से मोहनगढ़ जैसलमेर में अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाते रहिएगा, विश्वास दिला रहा हूँ, भूगोल सब्जेक्ट में तकलीफ नहीं आएगी। बस यू है कि घबराइएगा नहीं, तो थोड़ा ज़्यादा कराऊँ तो आपके भले के लिए करवा रहा हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा करवाने में। तो सेवन घास गुरुजी सर्वाधिक किस जिले में? तो ये भूगर्भिक जलपट्टी किस जिले में है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है गुरुजी, याद हो गया। अब एक बात याद रखनी है, मावठ वर्षा। मावठ जो वर्षा है वो अच्छी तरह से मैं आपको जलवायु टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना जो मावठ वर्षा है इसके उपनाम, इसे कहता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। इसे ही कहते हैं सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे। किस कारण से होती है ये वर्षा? अगर आपसे कारण पूछा जाए, जैसे एग्जाम में आया भी है, तो यह जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस विक्षोभ के कारण? पश्चिमी। कहां से होती है? तो ये वर्षा जो है वो भूमध्य सागर से होती है। सर्वाधिक जो लाभदायक है वो किस फसल के लिए है? तो रवि को जानते हो क्या? नहीं जानते। नहीं जानते तो याद कर लेना, रवि की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। रवि में पूछे तो किसके लिए? चना। गुरुजी हमने तो गेहूं पढ़ा है, गेहूं नहीं है मेरे भाई, ये याद रखना चना है। दो नंबर पे गेहूं ले सकते हो आप, लेना चाहो तो।
क्योंकि मंठा है किताबों में गेहूँ लिख रहा है, गेहूँ नहीं है, आप किसी से पूछना जो कृषि विभाग के अंदर हो, जैसे कृषि विपणन अधिकारी वगैरह उनसे पूछना, वो एक ही बात बोलेगा कि चना को सर्वाधिक लाभ मिलता है मावठ की वर्षा से। अच्छा, मावठ की वर्षा भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो भारत में जो मावठ वर्षा है वो सर्वाधिक पंजाब के अंदर होती है, जबकि राजस्थान में ये जो सर्वाधिक वर्षा है वो बीकानेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? बीकानेर के अंदर। तो सम क्षेत्र देख लियो, अक्कल गांव देख लियो, चांदर गांव, एक सांप और आड़ा पीबनो, तो मैं लिखा दूं आठ है इधर। पीवना जो सांप है वो एक विषधारी सांप है, पीवना सांप, ये कैसा सांप है? एक विषधारी। जहरीला सांप है जो मरुस्थल के अंदर देखने को मिलता है, माटी मिट्टी, स्लाइड कौन था दिखा तो भी फोटो, तो विषधारी सांप कौन सा है? पीवना। और सांस आगे जेर छोड़ा सल्टा दे आदमी ने, तो कौन सा सांप हो गया? पीवना। पीवना सांप इसी क्षेत्र में मिलता है। अब एक शब्दावली रखने, जैसे पलाया, रन, टाट, बोलसन, ये क्या है, इसको मैं चाहता हूँ कि आपको अगले भाग में बताऊँ, एक बार आप इतना ही पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। भौतिक प्रदेश अच्छी तरह से करेंगे, कितने मर्जी भाग हो इसके, जब चीज़ को समझने लगे तो कोई मर्जी बात हो वो सारी जान के रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करना है, ठीक है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मिलते हैं अगले भाग में, क्योंकि अभी सुंदर चेहरे आ गए हैं, उनको फुर्सत में देखें, ठीक है? तो मिलते हैं, जय हिंद।